सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? सब खैर खैरियत ठीक ठाक? तुमने वीडियो का टाइटल देखा, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और कराची। तुमने कहा आज तो ये वीडियो देखूंगा, मुझे कोई ना कोई मिर्च मसाला मिलेगा, मैं कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट करूंगा इस वीडियो पे, और फिर ये जो है अपनी भड़ासारी निकाल दूंगा इंटरनेट पे, है ना? यही सोच कर आए थे ना? तुम्हारे साथ पता है क्या हुआ है? तुम्हारे साथ ये हो गया है। व्हील के साइड में एक रेड बटन है। नहीं दबाना था। देखा तुमने, ये जो लाल बटन था ना, ये नहीं दबाना था। अब लाल बटन दबा ही दिया है, वीडियो इतनी देख ही ली है, तो आगे भी सुन लो, बोलने क्या वाला हूँ यार। आज मैं तुम्हारे साथ एक वाकया शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। बींग बॉर्न एंड रेज इन कराची, तो हमारे लिए यार देखो, इंडिया है ना, पूरा इंडिया होता है, ठीक है? ये जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का जो कल्चर डिफरेंस है, फूड डिफरेंस है, ये हमें इतना पता नहीं होता। ये तो खैर अब जो है मूवीज इतनी बन गई है, तो शायद लोगों को आइडिया हो गया, लेकिन आज से 10 साल पहले, एक डिकेड पहले जब मैं दुबई गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता था। मुझे इतना पता था कि हाँ, इंडिया बहुत बड़ा है, डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट कल्चर हैं, लेकिन स्पेसिफिकली साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का क्या डिफरेंस है, ये इतना पता नहीं था। तो मैं ज़्यादातर दोस्त वहाँ पे इंडियन थे काम करने वाले। जब लंच की बात आई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार हम थाली मंगा रहे हैं लंच में, तुम थाली खाओगे? मैंने कहा हाँ श्योर, वाई नॉट यार, थाली खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे थाली। तो उन्होंने कहा कौन सी थाली खाओगे, नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन? मैंने कहा ये दोनों अलग अलग होती हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ यार, लेकिन तुम जो है वो कराची के पले बड़े हो, तो तुम नॉर्थ इंडियन थाली मंगाओ, तुम्हारे लिए वो बेहतर रहेगी। पहली दफ़ा मैंने नॉर्थ इंडियन थाली मंगाई, अच्छी थी, यू नो, मल्टीपल चीज़ें उसके अंदर सारी जो है ना, वो अलग अलग डब्बों में आई थी। अब प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और इतनी सारी चीज़ें मिल रही थी चावल रोटी के साथ, अच्छा लगा। फिर मैंने दूसरे दिन कहा आज मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, आज मैं साउथ इंडियन थाली मंगाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी साउथ इंडियन खाना खाया नहीं था, मुझे तो डिफरेंस भी नहीं पता था। दोस्तों ने मेरे कहा कि यार रिकमेंड हम नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल तो मैं ऑफकोर्स एक एक्सपेरिमेंट करना तो तुम कर लो। मैंने मंगाई साउथ इंडियन थाली दोस्तों, वो दिन है। उसके बाद में दुबई में जब तक रहा, अब यकीन करें मैंने कभी नॉर्थ इंडियन थाली नहीं खाई। मुझे साउथ इंडियन खाना इतना पसंद आया, रसम सांभर, उसके साथ जो अचार होता है, ये चावल जो होते हैं, उसके साथ जो जाते हैं, अमेजिंग। यकीन करो यार, मुझे जब मौका मिलता था ना, मैं साउथ इंडियन थाली खाता था। इट वॉज ऑलवेज अ यस फॉर मी। अब नॉट आई एम सेइंग यार नॉर्थ इंडियन थाली बुरी होती है, बट यार हर इंसान का देखो एक टेस्ट बड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत नई थी, और ये ऐसी नई नई थी कि मैं पहली दफ़ा खाऊं और उसके बाद बोलूं हाँ यार एक दफ़ा का एक्सपीरियंस है। ये ऐसी चीज़ें थी कि वाकई आप 2-3 दिन में खा लो तो आपके लिए यू नो टू गो थिंग होगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार साउथ इंडियन खाना मुझे बहुत पसंद आया। मेरे यूएस आके भी जो साउथ इंडियन दोस्त बने, मैंने उनको यही कहा कि यार मुझे जो ना कभी ऑथेंटिक रसम खिलाना। हालांकि यहाँ पे रेस्टोरेंट में मिल जाता है, लेकिन यार रेस्टोरेंट की क्वालिटी में बात नहीं होती, यार घर का जो रसम होता है ना, वो रसम ही होता है। तो मेरे लिए तो जो बेस्ट क्वालिटी है, आप लोगों के लिए जो मेरे इंडियन दोस्त देख रहे होंगे, उनके लिए शायद वो भी बेस्ट क्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट की रसम और सांभर खाए। बट यार ये एक छोटा सा एक डिफरेंस था जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं कि यार बींग बॉर्न एंड रेज्ड इन पाकिस्तान इन कराची, हम लोगों को एक दूसरे के कल्चर्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं होता। जैसे आप लोगों के लिए शायद ये बात थोड़ा समझना मुश्किल होगी कि लाहौर और कराची के कल्चर में कितना डिफरेंस है, केपीके के खाने कितने डिफरेंस हैं। हमारा एक बहुत है ना डिफरेंट कल्चर होता है, बहुत डिफरेंट रहने का तरीकेकार होता है। इस तरह मैंने देखा इवन कि इंडिया के साउथ में भी तमिलनाडु, तेलुगु, इन सब के बड़े यार डिफरेंट किस्म के खाने और कल्चर हैं। तो ये यार उस दिन बात समझ में आई और सीखने को मिली कि यार काश हम लोग जो है एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानते, तो एक दूसरे के कल्चर को समझना, एक दूसरे की बातों को समझना कितना आसान होता। और मी बींग एज एन फूडी, अगर आपने यार मेरी वीडियो की इंट्रो वीडियो देखी हो, तो मैंने बताया था कि मैं गूगल रिव्यूअर भी हूँ। तो यार मैं फूड्स का बाकायदा रिव्यू करता हूँ, मुझे रेस्टोरेंट में फूड एक्सपेरिमेंट्स करना, रिव्यू करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये इंडियन खाना जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, एक ये इंडियन खाना, और दूसरा फिर एक दफ़ा जब मैं गया था एक राजस्थानी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ का भी खाना बहुत अच्छा था। तो उसके ऊपर मैं यार एक वीडियो जो है फिर कभी बनाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि अगर सारा सब कुछ एक ही वीडियो में बना दिया तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग भी देखेंगे नहीं, कहेंगे यार ये वीडियो बड़ी बनाता है, बोरिंग में बनाता है, छोटी सी बात सुनो छोड़ दो, तो वीडियो भी छोटी बनाएंगे हम, ठीक है? तो दोस्तों यार ये बात करनी थी कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था मेरा दुबई में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की खाने के ऊपर, और मेरी अपनी एक प्रेफरेंस थी, तो सोचा आप लोगों से शेयर करूं। मुझे यार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इंडिया में अगर बिलोंग करते हैं तो कहाँ के हैं, और अगर आप लोग इंडिया के नहीं हैं, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं के भी हैं, तो आप लोगों ने अगर ये एक्सपेरिमेंट किया तो आपको कौन सा खाना अच्छा लगा और उसकी रीज़न क्या थी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मुझे जो है वो रसम सांभर और ये जो कॉम्बिनेशन था चावलों के साथ, आई जस्ट लव्ड इट ना, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा, आई विल रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और सारी पॉजिटिव वाइब्स हों होपफुली। तो बस इतनी सी बात करनी थी इस वीडियो में।
हमेशा की तरह आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली बातें अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।